मलेशिया में फंसे एक 22 वर्षीय हैदराबादी नौजवान की मां ने सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है। नौजवान का नाम शरियाज है। पीड़ित की मां शमीम ने बताया है कि मेरा बेटा शरियाज 29 अक्टूबर 2017 को हैदराबाद गया था। हैदराबाद में एक एजेंट ने उससे अच्छे वेतन के साथ ही नौकरी देने का वादा किया और विजिट वीजा पर मलेशिया भेज दिया। एजेंट ने यहाँ पर 1.5 लाख रुपए भी लिए। मलेशिया जाने के बाद शरियाज ने 2-3 महीने तक एक कंपनी में काम किया। बाद में कंपनी बंद कर दी गई और उसका पासपोर्ट भी उसे मलेशिया एजेंट ने वापस नहीं दिया। शरियाज ने कई महीनों तक संघर्ष किया। बाद में उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि उन्हें वापस भारत भेजने में समय लगेगा। शमीम ने बताया है कि मलेशिया में जुर्माना नहीं भर सकती है। उन्होंने सुषमा स्वराज से अनुरोध किया है कि वो बेटे को वहां से छुड़ाने में मदद करें। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुहार लगाई है बेटे को लाने के लिए। यहां पर देखना यह होगा कि सुषमा स्वराज क्या इस पर कार्रवाई करती हैं।